हाँ अभिषेक, हेलो हेलो। हाँ यस सर। अभिषेक, ग्रुप में कमेंट करो ना, बाकी लोग ज्वाइन करेंगे हाँ ग्रुप में। सर, हाँ सर, करता हूँ। बाकी लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे अभिषेक? सर लिंक तो सेंड कर दिया सर, दोनों ग्रुप में कर दिया सर।
हेलो हेलो। हाँ यस सर। यार, हाँ काफी कम सर। लोग हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? सर ग्रुप में तो मैसेज कर दिया सर, अब वो सीन नहीं किया उन्होंने तो। अब टाइमिंग तो सर यही रहती है, तो उनको करना चाहिए रोज के हिसाब से। हाँ क्या? स्टार्ट करें। यस सर। टॉप लॉ पे थे ना अपन। हेलो। हाँ अभिषेक। हेलो, टॉप यस सर। लॉ पर थे ना अपन। हाँ सर। अच्छा, सभी लोग अपनी अटेंडेंस है ना, कमेंट करो उसमें पी करके, है ना। इवन अपॉन अल्फा वन, E2 अपॉन एल्फा टू, और E3 अपॉन एल्फा थ्री, और E1 अपॉन EB इक्वल टू एल्फा वन, है ना। और ये एप्सिलॉन और एल्फा वन इक्वल आ गया था, ये लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर लिया था, है ना। दस द टोटल एमिसिविटी ऑफ ए सरफेस एट टेम्परेचर टी इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स टोटल अब्सॉर्बिविटी फॉर रेडिएशन कमिंग फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। दिस रिलेशन सिंप्लीफाइज द रेडिएशन एनालिसिस एंड डेवलप्ड बाई गॉस्टव किरचॉफ इन 1960 एंड नोन एज किरचॉफ लॉ। ठीक है, हेंस इट इज ऑल्सो ट्रू एट ए स्पेसिफिक वेवलेंथ दैट the spectral emissivity is equal to spectral absorbivity। ये तो पूरा टोटल के लिए, स्पेक्ट्रल के लिए भी सेम हो जाएगा, है ना। स्पेक्ट्रल में क्या होगा, वेवलेंथ डिवाइड हो जाएगी, पर यूनिट वेवलेंथ हो जाएगा। एट थर्मल इक्विलिब्रियम फॉर ऑल बॉडीज, इसमें कंडीशन क्या रहेगी, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, दिस लॉ इज applicable when the radiation properties are independent of wavelength. Example for gray bodies or when the incident and emitted radiation have same spectral distribution.
है। हेलो, फिर चौब लो, समझ में आ गया सब? कर। कोई डाउट है किसी को इसमें? किसी को कोई डाउट है किड्स ऑफ लॉ में? हेलो, हाँ हाँ सर आ रहा है। इसको। यस सर। हेलो, हाँ सर। कौन? अनिरुद्ध? हाँ हेलो, सर। हाँ बोलो अनिरुद्ध। नहीं सर कह रहा। हाँ आ रहा है सर। नो ठीक डाउट। सब प्रेजेंट लगानी क्या? प्रेजेंट हाँ लगानी है क्या सर? हाँ ग्रे एंड डिफ्यूज सरफेसेस, ठीक है। द रेडिएशन प्रॉपर्टीज ऑफ ए रियल सरफेस सच एज एब्जॉर्बिटी, एमिसिविटी एक्सेट्रा डिपेंड ऑन द वेवलेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन। मोस्ट एमिसिविटी डाटा आर आइदर एवरेज ओवर डायरेक्शन और ओवर वेवलेंथ, बट फॉर सम रियल सरफेसेस द स्पेक्ट्रल एमिसिविटी लैम्डा इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड इट्स कैलकुलेशन फॉर ऑल वेवलेंथ बिकम वेरी टीडियस। देयरफॉर द ग्रे एंड डिफ्यूज अप्रोक्सीमेशन आर कॉमनली यूज्ड इन रेडिएशन कैलकुलेशन। ए सरफेस इज कॉल्ड टू बी डिफ्यूज सरफेस इफ इट्स प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शंस एंड ए ग्रे सरफेस इफ इट्स प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। डिफ्यूज और ग्रे का मतलब समझ में आया क्या? हेलो, ग्रे का। हाँ सर। हाँ सर। हेलो, हाँ अभिषेक, ना सर। ग्रे एंड डिफ्यूज सरफेसेस जो होती है वो अभिषेक, सब हाँ वेवलेंथ एंड डिफ्यूज और ग्रे का मतलब समझ में आया? यस सर। आ गया। क्या है ग्रे का मतलब बताओ। सर डिफ्यूज का मतलब तो प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ होती है सर। डिफ्यूज सरफेस जो होता है उसमें प्रॉपर्टी जो होती है इंडिपेंडेंट बोलो। ऑफ डायरेक्शन होती है। और ग्रे सरफेस वो होता है जिसमें प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ कैसे होती है इंडिपेंडेंट? हाँ सर। कैसे होती है इंडिपेंडेंट? ये वेवलेंथ है। ये देखो, ये प्रॉपर्टी चेंज हो रही है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। अगर ग्रे बॉडी रहेगी तो सारी प्रॉपर्टी सेम रहेगी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी। ये देखो, ये 1600 केल्विन पर है, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। इन सब की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है ना, तो वो वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी, कॉमन रहेगी सबकी, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रे बॉडी। और डायरेक्शनल कहाँ है आपसे? डायरेक्शनल ठीक है। और डायरेक्शन डिफ्यूज का मतलब क्या होगा?
डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस डायरेक्शन से भी वही रहेगा, सेम सभी डायरेक्शन में सेम वैल्यू होगी, है ना, डिफ्यूज का मतलब। कॉमनली यूज इन रेडिएशन कैलकुलेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, सभी डायरेक्शन में इक्वल होगी। कंसीडर द स्पेक्ट्रल एमिसिविटी ऑफ ए रियल सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाई ए बिगी लाइन 12.17। इट डिफर फ्रॉम प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट हैज लार्ज वेरिएशन विथ वेवलेंथ एंड कंसिस्ट ऑफ सेवरल पीक्स एंड वैली। पीक्स एंड वैली क्या होता है, ये इस तरह का कर्व होता है ना, इसको तो पीक बोलते हैं और इसको वैली बोलते हैं, इसको इस वाली को, ये तो पीक हो गया, ये वैली हो गई, ये पीक हो गया, ये वैली हो गई, है ना, ये वी वी शेप है, उसको तो वैली बोलते हैं और इसको पीक बोलते हैं। ये जो टॉप होता है इसको पीक बोलते हैं और वी शेप जो बनती है इसको वैली बोलते हैं, है ना, ठीक है। सेवरल पीक्स एंड वैली, फर्दर द स्पेक्ट्रल एमिसिविटी आल्सो वेरीज with temperature, thus its evaluation to average emissivity becomes very complicated. A useful simplification is to replace the biggest lines by an average emissivity line. ये आएगा नीचे आएगा थोड़ी देर में। It is the gray body approximation. The effect of approximation on emissive power is shown. ये देखो ये ग्रे बॉडी सरफेस है, कॉन्स्टेंट है इसकी एमिसिविटी, ये रियल सरफेस है, एट टी कॉन्स्टेंट पर है। ब्लैक बॉडी के लिए तो वन रहेगी ये वेल, ये वाई एक्सिस है ना, यहां पर अपन ने क्या लिया है, एमिसिविटी, एमिसिविटी लिए पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, है ना, ग्रे बॉडी के लिए, ब्लैक बॉडी के लिए तो वन ही रहेगी 100%, और ये वेवलेंथ है तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इसमें चेंज नहीं हो रहा, वेवलेंथ यहां से बढ़ रही, इंक्रीज हो रही वेवलेंथ। सपोज करो यहाँ वेवलेंथ है 5, यहाँ है 100, ठीक है, वेवलेंथ के साथ चेंज नहीं हो रही, रियल में ये है तो अपन एवरेज लेंगे, ये इसका एवरेज कितना आएगा 0.6, तो ये एवरेज कांस्टेंट है, ठीक है। तो अपन ने ग्रे सरफेस मान लिया, इसका मतलब ये 0.6 है, इसका इसकी वैल्यू 0.6 हो गई। ब्लैक बॉडी के लिए वन ही रहेगी, एमिसिविटी वन रहेगी मैक्सिमम। हेलो, हाँ अभिषेक, यस सर, समझ में आ रहा है इसमें कुछ? हाँ हाँ सर आ रहा है। कोई डाउट है क्या? नहीं सर। इसमें ये देखो वेवलेंथ है, इधर क्या है एमिसिविटी है, वन किसके लिए होगी, ब्लैक बॉडी के लिए, ठीक है, मैक्सिमम होगी ब्लैक बॉडी के लिए
और ये ग्रे बॉडी के लिए अपन इस तरह से मान के चलेंगे, और रियल में जो रियल सरफेस है उसके लिए इस तरह से होती है। ठीक है, ये तो रियल सरफेस होती है, अपन ग्रे बॉडी की इस तरह मानते हैं और ब्लैक बॉडी की मैक्सिमम होती है। ये कंपेरिजन है हेमिस्फेरिकल एमिशंस का। ठीक है, टेम्परेचर 2000 केल्विन लिया है, हेमिस्फेरिकल एमिशंस ऑफ ब्लैक बॉडी ग्रे एंड रियल सरफेस। तो ई टी सिग्मा टी फोर क्या होती है, टोटल 0 to infinity एप्सिलॉन लैम्डा टी ई बी लैम्डा टी और डी लैम्डा। ठीक है, व्हेन द एवरेज एमिसिविटी ऑफ ए ग्रे सरफेस कैन एक्सप्रेस एस, ये तो हो गई ब्लैक बॉडी के लिए है ना, ये ब्लैक, और ये किसके लिए हुई, ग्रे, तो ग्रे बॉडी के लिए हो गई है। और ये किसके लिए, ब्लैक बॉडी के लिए। ठीक है, तो अपन एमिसिविटी निकाल लेंगे, क्या एमिसिविटी रहेगी इसके कंपैरिजन में कितना है। इफ द वेरिएशन ऑफ स्पेक्ट्रल एमिसिविटी इज क्वाइट लार्ज बट इट इज कॉन्स्टेंट ओवर सर्टेन वेवलेंथ एज शोन इन फिगर 12.19, देन एप्सिलॉन टी इज एक्सप्रेस्ड एज स्टेप फंक्शन एंड इक्वेशन 12.3 इज इन्वेस्टिगेटेड बाई डिवाइडिंग द स्पेक्ट्रम इंटू ए नंबर ऑफ वेवलेंथ बैंड एंड अज्यूमिंग एमिसिविटी रिमेन कॉन्स्टेंट ओवर ईच वेवलेंथ बैंड व्हेन द एवरेज एमिसिविटी कैन बी डिटरमाइंड एज। ये देखो, ये तो एक्चुअल है, ठीक है, ये लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा लैम्डा इधर है, ये एमिसिविटी है ई वन ई टू और ई थ्री लैम्डा वाई डायरेक्शन, ई लैम्डा ई वन कॉन्स्टेंट है 0 to λ1 के लिए, 0 to λ1 के लिए ये हो गया, लैम्डा वन से लैम्डा टू के लिए है ई टू, लैम्डा वन से और लैम्डा टू, लैम्डा वन ये रहा और लैम्डा टू ये रहा है ना, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा ई टू में। ठीक है, ई वन क्या आएगा, इस पूरे का है 0 to λ1 का है, यहां से लेके और यहां तक का ये ई वन है, और ये ई टू है, और ई थ्री, ई थ्री यहां से लेके यहां तक का है यानी इंफिनिटी तक का, इन सबका एवरेज आ गया ई थ्री। ठीक है, पहले अपन ने ये वाला लिया इतना, तो इसका एवरेज ही आएगा, अगर अपन यहाँ तक लेते हैं तो एवरेज ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हुआ है ना इसलिए बढ़ गया, उसके बाद डिक्रीज हुआ तो कम हो गया, टोटल एवरेज ई थ्री इधर आएगा। ठीक है, स्टेप फंक्शन है ये है ना। तो लैम्डा वन लैम्डा टू का इन्होंने ऐड किया है, ई टी ई बी लैम्डा डी लैम्डा सिग्मा टी फोर प्लस 0 to λ1 है, ये 0 to λ1 के लिए, ये 0 to λ1 के लिए हो गया, फिर लैम्डा वन से लैम्डा टू, लैम्डा वन से लैम्डा टू के लिए, और उसके बाद लैम्डा टू से लैम्डा के लिए।
फिर ये लैम्डा टू से इन्फिनिटी हो गया है ना, यहाँ पर इन्फिनिटी है ठीक है। तो फर्स्ट में तो ये अपन ने ये लिया, सेकंड में ये और थर्ड में ये, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, इनको सम सबको ऐड करेंगे इवन आ जाएगा। फंक्शन जीरो टू लैम्डा वन का है, ये टू फंक्शन है लैम्डा वन से लैम्डा टू, और ये थ्री है लैम्डा टू से इंफिनिटी। द ग्रे सरफेस इज कंसीडर्ड फॉर विच द स्पेक्ट्रल एमिसिविटी लैम्डा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ एंड द स्पेक्ट्रल एमिसिविटी इज इक्वल टू इट टोटल एमिसिविटी। फर्दर फॉर ग्रे सरफेस द एब्जॉर्बिविटी रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिटिविटी आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ फॉर सच सरफेसेस, ठीक है ये रिलेशन हो गया सेम हो गई, एब्जॉर्बिविटी रिफ्लेक्ट इसके इक्वल हो गई रिफ्लेक्टिविटी की। एग्जाम्पल है, नोट करो इसको। हेलो हाँ अभिषेक, हाँ सर, हाँ ये एग्जाम्पल सब नोट करो है ना। ओके सर, ओके सर, नोट करो इसको। जी सर, नोट कर लिया क्या? हेलो अभिषेक, हाँ सर, नोट कर लिया?
हाँ सर कर लिया सर। सर आगे एग्जांपल का थोड़ा आगे का हिस्सा तो दिखाइए। हाँ ए और बी प्लेस लेने इनक्लोजर, जी की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें 6200 वाट पर मीटर स्क्वायर है ना, और जी अल्फा ए 5500 वाट पर मीटर स्क्वायर, और जी अल्फा भी कितना है 620 वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी ए और बी के लिए है, ए के लिए 5500 और बी के लिए 6200। अपन को क्या निकालना है, हीट फ्लक्स टू ईच सरफेस एंड सरफेस टेम्परेचर, टेम्परेचर अल्फा ए अल्फा भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी है स्मॉल ये एप्सिलॉन, द स्टेडी स्टेट द नेट हीट फ्लक्स इज जीरो, द एनक्लोजर इज कंसीडर्ड टू बी ए ब्लैक बॉडी एंड आइसोथर्मल, तो इसमें आइसोथर्मल और नेट हीट फ्लक्स जीरो के लिए क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में टी ए टी बी और टी इक्वल हो जाएगा है ना। यस सर। उनको क्या निकालना है, इरेडिएशन टू द सरफेस इक्वल टू एमिशन फ्रॉम द सरफेस, सरफेस एमिशन फ्रॉम द सरफेस क्या होंगी, सिग्मा टी फोर, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है 5.67 इंटू 10^-8 10 टू द पावर माइनस ये। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना है सर, टेम्परेचर इसमें नहीं दे रखा, 575 दिया हुआ है कि नहीं सर, इसमें नहीं दे रखा है टेम्परेचर सर, उसमें निकाल रखा है शायद। हाँ ये टेम्परेचर निकल जाएगा है ना, ठीक है, सिग्मा टी वैल्यू टी फोर की वैल्यू क्या है 6200 से टी की वैल्यू निकालो, सिक्स टू डबल जीरो है ना, ये टी की वैल्यू निकालो उससे, कैलकुलेटर है सबके पास। हेलो हाँ सर, डिवाइड करो सिग्मा को 6200 से, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, ये तो बी है और ये सी है, ठीक है, यहाँ से रेडिएशन आ रही है ये, ठीक है, अपन को क्या दिया हुआ है, अपन को ये दिया हुआ है इससे टोटल रेडिएशन कितनी आ रही है, मतलब निकल रही है इससे, वो कितनी है 6200, ठीक है, ये रेडिएशन यहाँ से निकल रही है, बी के पास कितनी आ रही है वो अपन को दी हुई है, बी के पास कितनी आ रही है 5500 है ना, और सी के पास कितनी आ रही है 620 ये अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ से रेडिएशन कितने निकली है 6200, तो अपन इसका टेम्परेचर निकाल सकते हैं क्योंकि सिग्मा टी फोर ब्लैक बॉडी के लिए क्या हो गया सिग्मा टी फोर है ना, सिग्मा टी फोर इक्वल टू 6200
ना, इसको ब्लैक बॉडी मारेंगे अपन तो टी की वैल्यू निकालेंगे, इसका टेम्परेचर अपन को पता लग गया, इस टेम्परेचर पे रेडिएशन इससे निकल रही है। अब बी के पास आ रही है 5 5, इनमें से बी कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, 5 5 00, है ना, तो एब्जॉर्बिलिटी निकल जाएगी बी की, टोटल आ रही है इसके पास 6 2 00 और एब्जॉर्बिलिटी कर रहा है 5 5 00। ऐसे इसकी पता लग जाएगी, ये इतना 6 2 0 ऑब्जर्व कर रहा है, टोटल कितनी आ रही है इसके पास 6 2 00 0.1% यानी 10% ही ऑब्जर्व कर रहा है, जो सी है वो 10% ऑब्जर्व कर रहा है और ये 88.7%, ठीक है, एब्जॉर्बिटी आ गई दोनों की, अल्फा ए और अल्फा बी। अब एमईसी पावर ऑफ ईच सरफेस अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ एट थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एनर्जी ऑब्जॉर्व किए उतनी एनर्जी एमिट करेगा वो, इसने कितनी ऑब्जॉर्व की है 5 5 00 और इसने 6 2 0, तो उतनी ही वो एमिट करेगा, तो एमिसिविटी किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगी, सेम रहेगी, ऑब्जॉर्बिटी है वही एमिसिविटी रहेगी, तो सेम आएगी दोनों वैल्यू, ठीक है, ये अल्फा सेम होता है और ये बी के लिए भी सेम होगी, उतनी वो एमिसिविटी मतलब उतनी एमिट कर पाएगा जितनी उसने ऑब्जॉर्व की, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया ये? यस सर, यस सर, नोट कर लिया लास्ट तक, जैसे एंड हो ना वापस रिजॉइन करना, अपनी अटेंडेंस सभी भेजो एक बार और पी करके, तब नोट कर लिया, आगे बढ़े। यस सर। नोट कर लिया तुमने? यस सर। हाँ अभिषेक। हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ। दूसरा क्वेश्चन लिखो। ये सोलर कलेक्टर सरफेस में एब्जॉर्बिटी दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है इसकी। क्वेश्चन नोट करूं,